हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे जो सिलेबस है पीजीटी फिजिक्स का 2023 के लिए, एग्जाम चंडीगढ़ पीजीटी। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस कब कब का अपलोड हो चुका है, आज हम अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सिलेबस है वो कैसा है, +1 +2 का सिलेबस है। और जो इसका कुछ पार्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, ये हमारा नेट लेवल का जो हमारा सिलेबस होता है पीजीटी का और ग्रेजुएशन का, वो सब बीच में है। फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशनल एनालिसिस है, वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर एल्जेब्रा, मैट्रिसिस जो पार्ट है जो कि ईजी है, और केले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, आइगन प्रॉब्लम्स, ये सब जो चीजें हैं ये सब कैसी हैं हमारी नेट लेवल तक की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की आएंगी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फोरियर सीरीज एंड फोरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है जो हमारा नेट और गेट के एग्जाम में भी रहता है, क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। और उसके बाद टेलर एंड लोरेंट सीरीज है, पोल्स है, ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर चलता है। तो बेसिकली इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल तक ये हमारा पार्ट है। ठीक उसके जस्ट बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी हमारा नेट के लिए आता है, ये +1 +2 लेवल की प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेट और गेट में जो आपका प्रोबेबिलिटी का सिलेबस रहता है, लाइक रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर आएगा। इसके बाद जो आता है जनरली वो +1 +2 है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, ये सब चीजें जो हैं +2 लेवल की हैं। लॉजिक गेट्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन, ट्रांजिस्टर एंड स्विच, ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन पार्ट भी आ जाता है। पहले के सिलेबस में ट्रांजिस्टर एंड स्विच होता था +2 में, आजकल आई थिंक कट कर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स करने के बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स 2 टाइप्स की होती है, जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ये भी +2 का ही सिलेबस है। तो इसके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए गए हैं। मेन मेन टॉपिक्स में अगर बात करूं तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके बाद आ जाता है लाइक पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमेशा से। और इसके बात करें अगर फिजिकल ऑप्टिक्स की बात, या फिर जिसको हम क्या कह देते हैं वेव ऑप्टिक्स, तो उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं, लाइक ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं अभी, वेव फ्रंट एंड हाइजन्स प्रिंसिपल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, डिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ तक पहले। इसके बाद आ जाता है पोलराइजेशन, पोलराइज लाइज, ब्रूस्टर लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलेरॉइड्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक हैं। इसके बाद आ जाता है बल्क मैटर, ये +1 है। ये हमारे +1 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें आता कौन कौन सा चैप्टर है, देखिए थर्मोमेट्रिक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फ्लूड, पास्कल्स लॉ, इट्स एप्लीकेशन, विस्कोसिटी, स्टोक्स थ्योरम, और ये जो है ये थर्मोडाइनमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी के टॉपिक आए हुए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट ट्रांसफर है। ठीक है, ये +1 के हैं। इसके बाद बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये चैप्टर है लाइक बायो सावर्ट लॉ से शुरू हो जाता है, और ये सारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स चल रहा है इसके अंदर, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ये +2 का टॉपिक है हमारा। और इसमें पैरा मैग डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये भी सारा +2 का है। ओसिलेशन एंड वेव्स जो है वो हमारा +1 का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर,
हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीनों के तीनों, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल जो है, यहाँ पर कार्नोट थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, ये आ जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, एवोगैड्रो नंबर, ये सब +1 के अंदर है। इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा ग्रेजुएशन एंड, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं, और जो हमारा नेट में दिया होता है जनरली ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर लिए गए हैं। जैसे कि शेल मॉडल की बात करें, न्यूट्रॉन प्रॉब्लम की बात करें, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, अल्फा बीटा एंड गामा डी के सिलेक्शन रूल्स जो है, ये स्पेशली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करें हम मोशन एंड मैकेनिक्स, तो ये फिर से वही बात है, +1 का टॉपिक्स है, +1 के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर लिए गए हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। उसके बाद फिर से हमें ले आए हैं +1 +2 सॉरी +2 एंड ग्रेजुएशन के सिलेबस पर। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये +2 में आता है, इसका बिल्कुल बेसिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, +2 में आता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन, स्पेस में डिफरेंट मीडिया में बाउंड्री कंडीशंस, ये सब चीजें आ जाती हैं हमारे ग्रेजुएशन में, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, गॉस इनवेरियंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, ये आ जाता है हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो जो सिलेबस है वो मिला जुला रूप है +1 +2 ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसमें अगर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स की, लास्ट में मैं दिखा रही हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, 15th नंबर पर है, जो कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये सब हमारा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट है, लाइक डिराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स, मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एल्जेब्रा, स्पिन, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, ये सब हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। और जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स, टनलिंग थ्रू अ बैरियर, ये सब हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। और बीच में जो टॉपिक मैंने अभी छोड़े हैं, लाइक लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, और इससे पहले जो ये वर्क पावर एनर्जी है, मोशन एंड मैकेनिक्स है, ये सब हमारा +2 का पार्ट है। तो जो ओवरऑल सिलेबस है वो कैसा है, +1 +2 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलाकर दिया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर पार्ट है वो किसका है, +1 +2 का है, मीन्स ज्यादा क्वेश्चन जो है वो +1 +2 से आएंगे, बट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसी से हमारा जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो डिसाइड करेगा कि कौन आगे रहता है और कौन पीछे रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी एग्जाम देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, डू इट, कम ऑन, गो फॉर इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।